सहगल फाउंडेशन के द्वारा किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। सोनभद्र जिले के बुरावल प्रखंड के ग्राम नेवारी में सहगल फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही महिंद्रा राइज परियोजना के अंतर्गत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभाग के साथ साथ परियोजना क्षेत्र के 60 किसानों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस गोष्ठी में पशुपालन विभाग के पशुधन प्रचारी अधिकारी अखिलेश सिंह ने अपनी योजनाओं के साथ साथ खेती और पशुपालन को पूरक बताया और पशुपालन का खेती में कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसके बारे में भी चर्चा किए। वन विभाग के फॉरेस्ट इंस्पेक्टर अविलास शर्मा ने जंगल के महत्व को बताते हुए सहगल फाउंडेशन के कार्य को सहारा और पर्यावरण के बारे में व जंगल का होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर जानकारी दी। कृषि विभाग के सहायक तकनीक प्रबंधक संजीव कुमार ने सरकार की कृषि योजनाओं पर चर्चा करते हुए धान की खेती के लिए बीज व उसकी प्रगति पर जानकारी दी। आप ही लोग से सीखना चाहते हैं, सीखते हैं। इस संगोष्ठी से हमें कुछ भी ऐसा ज्ञान मिला है जिसका कि हम भी जाके इस्तेमाल कर सकें, इसका ऑर्गेनिक खाद का हम भी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमें भी आवश्यकता इसकी पड़ेगी। तो ये हम भी जानने के लिए थे और आए, टाइम मिला निकाल के आए, ये भी हम समझ रहे हैं। तो और अपने स्तर से जैसे खेती की बात आती है तो खेती में तो वास्तव में जैसे दिनेश भाई ने कहा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है, नहीं कोई जानता है। कोई चीज़ होता है जो धीरे धीरे विकास होता है और धीरे धीरे आदमी जानता है। सरकार की एक सोच है कि खेती को पशुपालन से जोड़ दिया जाए, मतलब किसान अगर किसान है तो वो 75% या 80% मान के चलिए कि वो पशुपालक भी है। तो सरकार का जोर है कि खेती के साथ जो है पशुपालन के क्षेत्र में किसान की आमदनी बढ़ाई जाए। उसके लिए सरकार नए नए प्रयोग भी कर रही है, नए प्रोग्राम भी ला रही है। तो हम लोग अपने विभाग की तरफ से किसान भाइयों के लिए कुछ गाँव चयनित इरीगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, या टपक सिंचाई कहते हैं। और कृषि में जो जितना पानी उपयोग होता है, चाहे ग्राउंड वाटर का जो भी या सरफेस वाटर जो भी है, इसमें 85% पानी जो है एग्रीकल्चर में यूज होता है भारतवर्ष में, दूसरी कंट्री में 35% है। तो अगर हम इस 85% को घटाकर 35% पे ला दें तो हमारा उतना ही पानी हमको ऊपर से मिल रहा है या ग्राउंड वाटर से, एक बैलेंस क्रिएट।